फर्क साफ है 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। फर्क साफ है 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडई होती थी, पहले उत्तर प्रदेश में अंधेरा रहता था, पहले उत्तर प्रदेश की सड़कें उबड़ खाबड़ थी, पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ICU में थी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब थी, यहाँ की बिजली की व्यवस्था खराब थी। हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में यहाँ हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बने और उनके नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। और 2017 से पहले का मथुरा वृंदावन और 2017 के बाद का मथुरा वृंदावन फ़र्क साफ है। पहले मथुरा वृंदावन में उत्तर प्रदेश में बिजली आती नहीं थी और अब उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन से बिजली जाती नहीं। हमने स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर की, हमने शिक्षा व्यवस्था बेहतर की, हमने बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत काम किया। और वहीं हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमने अपने ब्रजभूमि के चौमुखी विकास के लिए, अपने जन्मभूमि के सुंदरीकरण के लिए बहुत ही कार्य किए। और हमारे द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की गलियां, हमारे यमुना शुद्धिकरण पर हमने काम किया। 460 करोड़ के परियोजना हम लोग लेकर आए 2019 में, और आज जो हमारे 35 नाले थे उनमें 31 नाले हमारे टैप हो गए हैं 31 अक्टूबर 2021 तक। ये बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। जिन लोगों ने यमुना को दूषित किया, इस देश की संस्कृति को दूषित किया, हमारी नदियों को दूषित किया, वो अब कटघरे में हैं। आज वो भाग रहे हैं, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। तो कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया, सपा बसपा ने कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। जवाहर बाग इसका उदाहरण है। जवाहर बाग 200 एकड़ का जवाहर बाग है जिस पर सपा बसपा ने मिलकर कब्जा किया। आज हमने उसको मुक्त कराया है और आज वो हमने मथुरा के लोगों के लिए, नौजवानों को, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए समर्पित किया। फर्क साफ है। अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जो कल तक आपके समर्थन में थे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। सर, 70 साल में विकास नहीं हुआ।